হরিচন মল্লিক মহল্লাজান কল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হলো জয়ের মাতা দি জাগরণ পূজা। এদিন বেশ চাকচমক সহকারে পুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজোর আয়োজনটি প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও করা হলো। সেখানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনজাহার ইকবাল। তার হাত ধরেই শুভ উদ্ঘাটন করা হলো এই পুজো। সকলকে সাথে নিয়ে এই জয় মাতা দি জাগরণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিকিউরিটি বীরজু মল্লিক, ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রিয়াল হিউম্যান মল্লিক, অমরলাল মল্লিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাও। ये बंगाल का कल्चर है, ममता बनर्जी का कल्चरल है और TMC का कल्चरल है। हम लोग जो हर के साथ रहते हैं और हर के साथ देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आते। यहाँ कोई भी दुख या सुख का मौका होता हम यहाँ शरीक होते हैं। अगर किसी की शादी है उसमें हम आते हैं, एंगेजमेंट है हम आते हैं, अगर किसी का खुदा ना खास्ता मौत हो जाता तो उसमें भी हम आते। तो हम लोग का यहाँ एक रिश्ता है, हमारा पार्टी का ये प्लान है कि आप जहाँ के काउंसलर, आप जहाँ के लोगों को लेके चलते हैं, जहाँ के लोग आपको मतलब बोलना नहीं चाहिए, इस तरह चाहते हैं कि कोई भी आके खड़ा हो जाए, कोई भी भगवान उतर के आ जाए, लेकिन वोट हम ही को बोल देते हैं और किसी का नहीं सुनते। आज उनके सुख दुख का साथी है हम और उनके हर मामले में उन लोग के साथ रहते हैं और हमेशा रहते हुए आए हैं और आने वाला दिन में भी इन लोग भी मेरे साथ रहेंगे और हम भी इन लोगों के साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छा हुआ। इस बार इतना अच्छा वोट हुआ है कि 1-3 के अंदर हम कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो इलेक्शन हुआ है, वोटिंग जो हुआ उसमें 3rd में हमारा नाम, परसेंटेज में हम 3rd हैं। इसका माने यहाँ का लोगों ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये इन्हीं लोगों का मोहब्बत है जो हमें खींच के लाता है और ये लोग खींच के मेरे पास आते हैं। यही मैसेज देंगे कि आए, वो देखें हमारा बंगाल का कल्चर को, देखें समझें, हमारे यहाँ के लोगों को देखें, इनका कल्चर देखें। या जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं। आप इन्हीं लोगों को देखिएगा, हर वो त्यौहार में हम इन लोग के साथ शरीक होते हैं, इन लोग मेरे साथ शरीक। तो ये एक सीख है कि यहाँ से आके सीख लें, ताकि पूरे कलकत्ता में तो हो ही रहा, पूरे बंगाल में है ये चीज़ है। इसलिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है इसी रास्ते में चलती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, सब हम लोग एक हैं और एक वर्ण के बंगाल को आगे ले जाए। यही दुआ है कि आज इन लोग का जो पूजा है इसको माता कबूल करे और यहाँ से कोरोना जैसा बीमारी को दूर भगाए, उठा के फेंक दे। और वैसे भी देखिए, जहाँ ये सब होता है, हर धर्म का काम होता है, वहाँ ये कोरोना फरोना काम नहीं आता, भाग जाता है। आप रिपोर्ट दीजिएगा, कलकत्ता में अगर सबसे कम कोरोना कहीं हुआ तो इसीलिए, इसलिए कि यहाँ हर जाति के लोग अपने अपने धर्म के तरह, अपने अपने इसके तरह पूजा पाठ मिलाद सब करते हैं और सब अपने अपने भगवान से फरियाद करते हैं कि हम गरीबों के ऊपर रहम खाओ। वैसे तो गरीब होना एक जुर्म है, गुनाह है, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर रहम खाओ, ये कोरोना जैसा आजाब से हम लोगों ने निजात दिया। और इसमें भी नहीं बन रहा है, सब बन रहा है। अभी देखो, एक महीना का बच्चा से तुम उम्मीद करोगे दौड़ना शुरू कर दे, नहीं होगा। अभी बोर्ड बनाया, कल का लेके 3rd ही मीटिंग हुआ है। बजट जब तक नहीं होगा कोई काम हो नहीं सकता। बजट के लिए गवर्नर वाहियातगिरी काम किया, मैंने सबसे बड़ा गलत हरकत जो किया है, वेस्ट बंगाल का बजट होने नहीं दिया। तो अगर वेस्ट बंगाल बजट नहीं करेगा तो कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ से बजट दिखाएगा? तो अपना वादा पूरा कर पाएगी? एकदम कर रही है, कर पाएगी। मैंने हमारे यहाँ भी कम्युनिटी हॉल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे यहाँ भी सब कुछ है। और अभी हम लोग एक बड़े कम्युनिटी हॉल की तरफ जा रहे हैं, ताकि 2 और लेंगे हम, एक नॉर्थ इंच के लिए लेंगे और एक उस पार के लिए लेंगे, ये भी होगा और ज़रूर होगा। अमरलाल मल्लिक है, हमारा स्थान वाला 9 नंबर नॉर्थ इंच कड़ा 17, जहाँ से आप रिपोर्ट ले रहे हैं। तो आज जो ये प्रोग्राम हम लोगों का 6 से 7 साल से हम लोग पूरा यंग लड़का लोग मिल के माता रानी का ऐसे भी पूरा बंगाल में का भारतवर्ष में छाया हुआ है और हम लोग भी दिल जान से माँ को मानते हैं। तो साल में एक बार हम लोग इनको बड़ा लगन से, मन तन धन से ये पूजा को हम लोग करते हैं और इसमें हर क्षेत्र के लोगों को निमंत्रण करते हैं कि आप आएँ, माँ का आशीर्वाद लें। साथ ही साथ पॉलिटिकल कुछ व्यक्ति को जो हमारे दुख दर्द में रहते हैं, जनाब मंजर इकबाल साहब हो या अजर इकबाल साहब हो या हमारे और भी नेतागण हैं, इनको हम लोग निमंत्रण करते हैं कि आप भी हम लोग को सहयोग कीजिए। और करता है भीड़ बोलने से
माता का सभी प्यार करते हैं, सब अपना मन से जो है निमंत्रण करना हम लोगों का काम, आना उनका काम, लेकिन ये देखते हैं कि प्रत्येक साल इस ये तो उद्घाटन है, कल इससे भी ज़्यादा करके भीड़ होगा, मैंने चूटी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा जगह यहाँ पर पूरा गैदरिंग रहेगा। तो माता को प्यार करते सभी आता है। हम लोग जो प्रोग्राम मैसेज यही कि सभी जो इसमें दो चीज़ का हम लोगों का मैंने दिमाग में आया हुआ है, एक नंबर कि पूजा का साथ साथ एक संगठन जो हम लोग पाड़ा का विकास उन्नति के काम में, और भी जो लड़का हम लोग से दूरी रहते, यही एक जरिया है जो पूजा पाठ के जरिए सब जुड़ता है, और जो कल जो आएंगे वो सिर्फ खाना भजन और प्रसादी का ही मने उनको मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि जहाँ तक हमारा आवाज़ जा रहा है, जहाँ तक हम लोगों का मने हमारा बात रख रहे जो चीज़ तो अगर सब स्वीकार सब आए तो हम लोग के लिए जो अंचल में रह रहे बहुत बड़ा बात होगा। हम लोग प्रार्थना यही किए कि हम लोग सभी कुशल मंगल रहें, पड़ा शांति रहे, हम लोग जो है दुख तकलीफ से दूर रहे, दुख तकलीफ हम लोगों का दूरी बनाए भगवान। प्रोग्राम तो हम लोग माता जी का चला रहे हैं, कोरोना काल से हम लोग बहुत बच बच के चले हैं, अब पूजा भी करते चले गए हैं और ठीक रहते भी चले गए हैं, कि माता का देन है यही बोलेंगे, और इनको पूजा इसलिए कर रहे हैं वो श्रद्धा विश्वास के साथ, जो ये सब कोरोना काल माँ चले जाए यही आपसे प्रार्थना है। मैं बिरजू मल्लिक 9993 कलगड़ा 717 ये हरिजन मल्लिक माला जन कल्याण क्लब के ओर से ये माता रानी की यहाँ प्रोग्राम 10 साल से हो रहे हैं। ये प्रोग्राम में हम पहला बार हिस्सा लिए, इनसे पहले धीरज मल्लिक थे, सनी मल्लिक थे, एस पी राज मल्लिक और जैकी दास और तुम्हारा जाके अनन मल्लिक और तुम्हारा जाके दिनेश मल्लिक, सायन मल्लिक, बहुत सा मल्लिक जितने बच्चे लोग था ये जागरण लाए, माता रानी का जागरण वो लोग लाए। हम लोग जूनियर बच्चे पर्सन से हमारा सीनियर पर्सन लोग ले लिए ये पर पूजा। ये पूजा बहुत दिन से चलते, हम लोग तो सौसर बोर्ड कर करते हैं, किसी का पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग का डिस्टर्ब हो रहा उसमें हम लोग जाते हैं, किसी का मरनी हो उसमें जाते हैं, किसी का शादी ब्याह में ये होता उसमें जाते हैं। ये पूजा का पहला बार है, यह हमारा एक व्यक्ति आर जुत हुए पूजा में जिनका नाम श्याम मल्लिक है, वो भी आए। ये लोग पुराना करते धरते वाला धीरज मल्लिक लोग हैं, ये लोग से कुछ मतलब पूजा का साथ साथ काम करते हैं हम लोग, किसी का मेडिकल मेडिकल हाँ वो करते हैं हम लोग, सोशल वर्कर जितनी काम है हम लोग करते हैं। ये मल्लिक पौड़ा मल्लिक क्वार्टर है, ये पूरा मल्लिक क्वार्टर है, इससे हम लोग जितना जहाँ तक हम लोग शक्तिशाली है उतना तक काम करते हैं। और उनका बाद ये पुराना लड़का लोग ये लोग हैं जो माता रानी को वैष्णो देवी से यहाँ बैठाए, ये अब मतलब ये पुराना लड़का लोग देखे कितना साल से लोग कर रहे हैं। मैं पहला बार आया,